Assalamualaikum friends, Bewatar Faraj and you watching Tech Counter. Vivo Y91C, quick unboxing and review. बजट रेंज का ये फ़ोन वीवो ने हाल ही में लॉन्च किया और मेरे नज़दीक वीवो के इस एफर्ट को पाकिस्तान में बहुत पसंद किया गया, क्योंकि मीडियाटेक 6762 हीलियो P22 का प्रोसेसर, 4030 mAh की बैटरी, ड्यू ड्रॉप नॉच, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज और इस फ़ोन की प्राइस इस फ़ोन को जस्टिफाई करती हैं। 19,000 रुपये का स्मार्टफोन, 3 कलर ऑप्शन और हमारे पास है इस वक्त फ्यूजन ब्लैक। फ़ोन की लुक्स किसी भी लिहाज से कम नहीं, शाइनी ग्रेडियंट्स कलर प्लास्टिक बैक कवर के साथ में और यहाँ पे प्री अप्लायंस स्क्रीन प्रोटेक्टर देखने को मिलता है। इसके अलावा बैक पर कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं और कोई डुअल कैमरा नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि इस प्राइस में कुछ कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। बॉक्स में एज यूजुअल कुछ पेपर वर्क, सिम इजेक्टिंग टूल, सिलिकॉन बैक, पावर ब्रेक, अनफॉर्चुनेटली 1 एम्पियर USB टू माइक्रो USB डाटा केबल और हैंड फ्री, सॉरी वो खर्चा आपको अलग से करना होगा। वीवो ने इस फ़ोन को ख़ास तौर पर शायद पाकिस्तान के लिए बनाया है, क्योंकि फ़ोन को स्टार्ट करते साथ ही आपको उर्दू लैंग्वेज देखने को मिलेगी। 6.2 इंच का फुल व्यू डिस्प्ले, ऊपर की तरफ ड्यू ड्रॉप नॉच जिसका इस फ़ोन की अट्रैक्शन में बहुत बड़ा रोल है, 1520x720 रेजोल्यूशन, 270 PPI पिक्सल डेंसिटी के साथ में। डिस्प्ले एक्सपीरियंस नॉट बैड। इसके डिस्प्ले के हवाले से इतना बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इसका डिस्प्ले परफेक्ट नहीं है, लेकिन अपने प्राइस टैग के अतबार से बिल्कुल परफेक्ट। और अगर आप फ़ोन की शक्ल और सूरत से मुतमइन हैं तो आगे चलते हैं। फ़ोन का कोर कंपोनेंट प्रोसेसर मीडियाटेक 6762, 2 GB की रैम, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज और फुल डुअल सिम सपोर्ट। यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा कि इस प्राइस में एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन इससे बेहतर प्रोसेसर और इससे बेहतर स्टोरेज शायद आपको किसी दूसरे फ़ोन में देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, 2 GB की रैम और फुल डुअल सिम सपोर्ट, जहाँ पे आप एक वक्त में 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकें, शायद बाकी फ़ोन्स में भी आपको मिल जाए। फ़ोन को अनबॉक्स करने के बाद आपको मिलेगा एंड्रॉयड का 8.1 ओरियो, वीवो की तरफ से फन टच OS स्किन जिससे काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस आपको आईफोन जैसा मिलेगा। यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर तो नहीं है, लेकिन फेशियल रिकग्निशन एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक सेटिस्फैक्ट्री है। और अगर आपको इस फ़ोन के बेंचमार्क स्कोर से कोई इंटरेस्ट है तो वो ये रहे। हाँ, वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, और डेफिनेटली ये बेंचमार्क स्कोर इस फ़ोन की प्राइस को जहन में रख के देखिएगा। और PUBG लो सेटिंग में बेहतरीन है। 4030 mAh की बैटरी जो कि इस फ़ोन का एक और की सेलिंग फीचर है, सो बैटरी के मामले में नो टेंशन, लेकिन जिस वक्त बारी आएगी इसको चार्ज करने की तो उस वक्त थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि 1 एम्पियर का चार्जर बेचारा क्या करे। तो या फिर कंप्रोमाइज़ कीजिए या फिर थोड़ा और खर्चा और एक फास्ट चार्जर परचेज कर ही लें। और बैटरी लाइफ मतलब ओके है। बैक पर सिंगल कैमरा 13 MP f2.4 अपर्चर के साथ में और साथ में LED फ्लैश, फ्रंट पे 5 MP। अच्छी बात यह है कि दोनों कैमरा AI के फीचर के साथ आते हैं, तो कहीं ना कहीं वीवो ने कोशिश की है कि 2019 का फ़ोन है तो 2019 का ही लगे। डे लाइट और लो लाइट एक्सपीरियंस नॉट बैड बट नॉट सेटिस्फैक्ट्री, मतलब ये लेवल इन दोनों के दरमियान का है जहाँ पे पिक्चर्स बस अच्छी होती हैं। और इस फ़ोन के बारे में मेरी राय, जैसा कि मैंने पहले बोला कि इस फ़ोन का प्रोसेसर, ड्यू ड्रॉप नॉच, 32 GB की इंटरनल स्टोरेज, 4030 mAh की बैटरी और 19,000 रुपये का प्राइस टैग, मुझे इससे बेहतर फ़ोन मार्केट में नज़र नहीं आया। और क्या चाहिए आपको इस फ़ोन के बारे में, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी किया तो ज़रूर कर लें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम।